वेलकम गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग विजिट करने जा रहे हैं गांजिया बैराज, जो स्वर्ण रेखा परियोजना का एक भाग है और वहाँ पे एक चेक डैम के जैसा बनाया हुआ है। तो चलिए उसका विजिट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या है नहीं है। और बोलना चाहेंगे कि अगर वीडियो में नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं गांजिया बैराज की ओर, जो जमशेदपुर के कमरिया में है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो दोस्तों हम लोग गांजिया बैराज के पास पहुंच चुके हैं और ये एक चेक डैम है और ये स्थित है गांजिया जगह का नाम है वहाँ पे, इसलिए इसे गांजिया डैम के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरह का चेक डैम है जो खड़काई नदी पे बनाया गया है और ये काफ़ी भव्य है और इसके आसपास पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे पिकनिक भी मनाया जाता है और यहाँ इस डैम को विज़िट करने काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि हम लोग का जो डेस्टिनेशन है यहाँ नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस डैम में अभी भी निर्माण का कार्य चल रहा है, जिस वजह से यहाँ का जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डैम का नहर का काम है वो अभी भी इनकम्प्लीट है और इसे पूरा करने के लिए इसे बनाया जा रहा है जल्द से जल्द, ताकि ये जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। और इसे पानी को बाईपास करने के लिए बनाया गया है, जिससे जो डैम है उस पर लोड कम रहे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग डैम के नीचे हिस्से में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पानी कम नहीं है। हालांकि ये पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, जिस वजह से जो नीचे सीमेंट के बने हुए वो भी दिख रहे हैं और उस साइड जो पत्थर हैं वो भी दिख रहे हैं। हालाँकि पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं और बहुत कम भी नहीं है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डैम काफ़ी बड़ा है और इसे इस गेट के आगे हिस्से में हम लोग खड़े हुए हैं और जहाँ पानी कम रहता है उस समय इसे गिरा दिया जाता है, और जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है बरसात के दिनों में तब इसे गिरा दिया जाता है। और ये काफ़ी बड़ा है और इसे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुल बनाया जा रहा था वो बरसात के दिनों में इनकम्प्लीट ही था और इसके जो मेन पिलर है, जो बीच में आप पिलर देख सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही छोटा नज़र आ रहा है। उसका छोटा नज़र आने का कारण इसलिए है क्योंकि बरसात में ये बह गया था और इसके नीचे जो पुराना पुल था उसे भी बरसात का मार झेलना पड़ा और पूरी तरह से बह गया था। जैसा कि आप पाइप वाइप देख सकते हैं कि ये पुराना पुल का हिस्सा है, ये पुराना पुल भी बरसात में बह गया था, जिस वजह से इस जो चेक डैम है या गांजिया डैम बैराज कहिए, इसका निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि यहाँ पे पानी का जो फ्लो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से पानी के फ्लो को रोकने और कंट्रोल करने के लिए ही इसे बनाया गया है। और ये काफ़ी बड़ा है और ये पिकनिक स्पॉट भी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और कुछ जो फैमिली मेंबर्स है या पिकनिक मनाने वाले हैं वो इसके नीचे हिस्से में भी आए हुए हैं, हालांकि यहाँ से दिखाएंगे उसको आगे। और यहाँ पे एक लॉन टाइप से, मैदान टाइप से बनाया गया है जहाँ पर लोग आते हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने। और ये शाम का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फैमिली के साथ आते हैं, आस पड़ोस के लोग, क्योंकि ये जमशेदपुर से काफ़ी नज़दीक है और ये आज
सुखपुर गमहरिया की एरिया में पड़ता है, जिस वजह से यहाँ आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। We'll be right back.